तो हेलो गाइस, उदयपुर प्लम्बिंग सर्विस में आपका स्वागत है। ये देखिए, आज हम ओल्ड बाथरूम का काम करने आए थे। इस ओल्ड बाथरूम को हमको रिनोवेशन करना है और स्मार्ट बाथरूम बनाना है। तो आप देखते रहिए, ये हमारा ये ओल्ड बाथरूम है, ये हमारी पुरानी वन पीस लगी हुई है और यहाँ पे मिक्सर लगाया और ये वॉश वेसन है। इसको हम खोलेंगे, उसके बाद देखते रहिए हम क्या करेंगे। तो हम पुरानी रेसिस को सबको खोल लेंगे और पुराने नलों को खोल लेंगे। ये पुराने ज़माने की वन पीस लगी हुई है, इसको हटाएंगे। अब यहाँ पे ये सब नल जो नल लगे हैं उसको भी हम खोल लेंगे, उसके बाद हम बाथरूम की टाइल्स को तोड़ेंगे। तो हमने दूसरे लड़कों को बोल रखा था वो दूसरा काम करे जब तक, तो मैंने कहा यही खोल लेते हैं। अब उसके बाद हम मिक्सर को खोलेंगे। ये वन पीस लगी है, इसको भी खोलना है। तो ये वन पीस को खोलते हैं और देखिए, ये वन पीस का मैं पीछे में खोल रहा हूँ। उसके बाद ये वन पीस को खोल देंगे पूरी, क्योंकि ये टू पीस वन पीस है, इसीलिए इसको पूरा खोलना पड़ेगा। ठीक है, ये देख सकते हैं मिक्सर लगा हुआ है। इस मिक्सर को मैं खोलूँगा, देखते रहिए। ये मिक्सर है, अभी जगवार का मिक्सर था पहले, और इसी जगह हमको वापस जगवार का दूसरा मिक्सर लगाना है, लेकिन इसकी जगह दूसरी होगी। तो देखते रहिए, मैं ये मिक्सर खोल दिया, उसके लेके खोल के साइड में रखता हूँ। और दूसरा हम काम करेंगे टाइल्स तोड़ने का, चालू करने वाले। तो ये बाथरूम हमारा पूरा सब ऐसे से निकाल दिए, अब ये बाथरूम बिल्कुल खाली है। तो देख सकते हैं ये बाथरूम, इतने टाइम से ये ऐसा है, 10 साल हो गए इस बाथरूम को। अब इसको रिनोवेशन करना है, तो इसके लिए ये देखिए टाइल्स हमने तोड़ना चालू कर दिया है। ये टाइल्स अब टूटने वाली है, अब ये सारी टाइल्स हम तोड़ देंगे। इस टाइल्स को तोड़ के हम दूसरी फिटिंग करेंगे। उसके बाद ये अभी यू पी एस की फिटिंग हो चुकी थी, और इसके बाद यू पी एस की फिटिंग करके इस बाथरूम में पूरा हम रिनोवेशन का काम चालू कर देंगे। ये हमारे साथ में भैया हैं जो सारी टाइल्स तोड़ रहे हैं, और ये दीवार की वॉल टाइल्स हैं, ये पुराने टाइम की टाइल्स हैं। अब इसकी जगह हमारे पास ये 2x2 की टाइल्स लगी, 2x4 की टाइल्स लगी इस जगह पर। तो ये बाथरूम का सारा काम डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप उदयपुर में कोई भी काम हमको करवा सकते हैं प्लम्बर का। और ये देखिए, ये बाथरूम की टाइल्स लग चुकी हैं, क्योंकि हमने बीच में कट किया था कि हमको बाहर जाना था, इस वजह से। तो ये कट करके ये डायरेक्ट टाइल्स लग गई थी, फिटिंग हो चुकी थी। अब ये टाइल्स लगने के बाद आप बता सकते हैं में कैसी लगी टाइल्स, और उसकी फिटिंग हो चुकी है। अब ये जगवार का आइटम लगेगा सारा, ये जगवार का आइटम सारा बढ़िया क्वालिटी का है, और ये बहुत अच्छा सामान है। ये देखिए, हमारा बाथरूम भी तैयार हो गया रिनोवेशन के बाद। अब बता सकते हैं कि पहले ये बाथरूम कैसा था और अब कैसा लग रहा है। और ये बहुत अच्छा लग रहा है बाथरूम, और इसके बाद में टाइल्स भी अच्छी लग रही है, और चोकर डालियाँ लगी हैं इसमें, तो उससे लुक बहुत अच्छा आ रहा है। तो देख सकते हैं, हमारे बाथरूम में स्मार्ट बाथरूम तैयार हो चुका है। ये वॉलिंग के साथ, वॉलिंग टू पीस वॉलिंग है, वॉलिंग के साथ में टेबल टॉप है, टेबल टॉप के साथ में एक मिक्सर लगा और शावर लगा है, 8 इंच का शावर लगा हुआ है। तो ये बहुत अच्छा लग रहा है, जगवार का आइटम है सारा। देख सकते हैं कि इसका लुक कैसा लग रहा है, ये देखिए अलग अलग मैंने फोटो खींच रखे हैं। ये देखिए, कमेंट में बताइए बाथरूम को कैसा लगा।